हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग स्ट्रिंगोहॉलिक्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। एक प्रॉब्लम इंटरव्यू बिट पर हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपको काफ़ी अच्छा से इसको बताने वाला हूं ताकि आप चीज़ें काफ़ी आसानी से समझ पाएँ और आप इसको कर पाएँ। क्वेश्चन क्या है? यू आर गिवेन एन एरे ए कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रिंग्स मेड अप ऑफ द लेटर्स ए एंड बी ओनली। ईच स्ट्रिंग गोज थ्रू अ नंबर ऑफ ऑपरेशंस वेयर। तो बेसिकली हमारे पास एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स दिया गया है जिसमें केवल ए और बी है। क्या मतलब? मतलब उस एरे में जो स्ट्रिंग है वो सिर्फ ए और बी से मिलकर बना हुआ है। हर एक स्ट्रिंग ए और बी यही दोनों कैरेक्टर से मिलकर बना हुआ है। और हमारे पास क्वेश्चन क्या है? जो एरे है, जैसे जो स्ट्रिंग है उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे ए टाइम वन यू सर्कुलरली रोटेट ईच स्ट्रिंग बाई वन लेटर। टाइम वन पर तुम्हें हर एक स्ट्रिंग को एक लेटर से सर्कुलरली रोटेट करना है। मतलब सामने वाला जो सबसे पहला जो एलिमेंट है उसको उठाकर सबसे पीछे कर देना है। वैसे ही दूसरा टाइम पर यू सर्कुलरली रोटेट द न्यू रोटेटेड स्ट्रिंग बाई टू लेटर्स। जैसे तुमने फर्स्ट राउंड कर लिया, जो 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 तुम्हें दूसरा राउंड करना है उसमें जो न्यूली रोटेटेड स्ट्रिंग है, मतलब जो फर्स्ट राउंड तुम किया है उस स्ट्रिंग को पकड़ना है, उसका दो लेटर आगे से पकड़ के पीछे कर देना है। वैसे ही तीसरा बार में तीन लीटर आगे का पकड़ के पीछे कर देना है, चौथा बार में चार कर देना है। और जो एनथ आ जाएगा, जब जैसे स्ट्रिंग का लेंथ 4 है और चार बार तुमने कर दिया, उसके बाद फिर से 1 से करना है। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन समझ में आया ही नहीं, तो चलिए पहले मैं आपको क्वेश्चन काफ़ी बेहतर तरीका समझाता हूँ यहाँ लिख लिखकर, ताकि चीज़ें आपको समझ में आए और आप इसका सॉल्यूशन अपने से निकाल पाएं। तो देखो, जैसे हमारे पास स्ट्रिंग दिया है ए बी ए बी ए, सिर्फ ए बी ए से मिलकर बना है, मतलब सिर्फ ए बी से मिलकर बना है। तो जो फर्स्ट रोटेशन होगा, फर्स्ट रोटेशन उसमें हमारा क्या होगा? जो पहला कैरेक्टर है उसको पीछे कर देना है, तो बी ए और पीछे जुड़ जाएगा ए, ठीक है। दूसरा में क्या होगा? दूसरा में होगा कि आगे से दो कैरेक्टर जो न्यूली रोटेटेड है, ए हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग था उसको हमने रोटेट किया तो ए बन गया। अब जो न्यूली रोटेटेड है इसका दो एलिमेंट, पहली बार में एक एलिमेंट, दूसरी बार में दो एलिमेंट, इसको पीछे करना है, तो क्या हो जाएगा? बी ए ए तो हमारा लिखाएगा ही और साथ ही साथ बी ए यहाँ चलाएगा, ठीक है। तीसरा बार में क्या करना है? तीसरा बार में आगे से तीन, आगे से तीन को पलट देना है, तो बी ए ए। चौथा बार में क्या करना है? चौथा बार में आगे से चार, तो ये रहेगा ही ए बी ए बी ए। और देखना है कितना रोटेशन मैं कर रहा हूँ तो ओरिजिनल स्ट्रिंग हमारा आ जा रहा है। तो मैं देख रहा हूँ 1 2 3 4, चौथा रोटेशन जैसे मैंने किया है तो हमारा स्ट्रिंग आया है ए बी ए बी ए, और यही हमारा ओरिजिनल है ए बी ए बी ए। मतलब चौथा बार मैं कर रहा हूँ, चार बार कर रहा हूँ तो मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग आ गया है। अगर मैं चार बार कर रहा हूँ तो मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग आ गया है। तो जब मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग आ जाएगा, जितने पास में उस पास को मैं स्टोर कर लूंगा। जैसे यहाँ चार बार में आया है तो मैं चार को स्टोर कर लूंगा। तो क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन समझना है तो अब वीडियो में आगे बढ़ूंगा और आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। जैसे क्वेश्चन है, हमारे पास एरे ऑफ स्ट्रिंग दिया है, एक स्ट्रिंग ए है, एक ए है, एक ए है। अब मुझे बताना है कि जो कैरेक्टर है, जैसे स्ट्रिंग ए है या फिर ए बी ए बी ए है, जो भी स्ट्रिंग है इसको कितना बार हम रोटेट करेंगे तो सेम टू सेम यही कैरेक्टर आ जाएगा। तो जितना बार करेंगे, तो तीनों स्ट्रिंग को हम करेंगे अलग अलग बार, तो इनमें से सबसे लोवेस्ट, मतलब सबसे मिनिमम नंबर कौन है जिस बार में तीनों में जो तीनों स्ट्रिंग है वो अपने ओरिजिनल ओरिजिनल फॉर्म में आ गया है। जैसे जैसे ए का है, ए को अगर मैं एक बार रोटेट करूंगा तो 1 आ जाएगा। जब 1 बार में आ जाएगा तो दो बार में भी आएगा, तीन बार में भी आएगा, मतलब 1 के मल्टीपल में आएगा। अगर मैं ए बी ए बी ए को करूं, जैसे मैंने आपको यहाँ करके दिखाया है ए बी ए बी ए को, तो चार बार, चौथा बारी में सेम टू सेम यही स्ट्रिंग आ जा रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा? ये चार बार में आ जा रहा है। जब चार बार में आ जाएगा तो आठवां बार में भी आ जाएगा, बारहवां बार में भी आ जाएगा, यानी चार के मल्टीपल में आते रहेगा। वैसे ही ए बी ए है, ए बी ए तो अगर मैं फर्स्ट बारी करूं तो पहले वाले को उठा के मैं पीछे कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा? बी ए ए। अगर मैं सेकेंड बार करूं तो इन दोनों को उठा के मैं पीछे कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा? ए बी ए। मतलब दूसरा बारी में हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग आ गया, तो इसको मैं क्या कर दूंगा? ये दूसरा बार में आ जाएगा, फिर चौथा बार में भी आ जाएगा, छठा बार में भी आ जाएगा, दसवां बार में भी आ जाएगा, ऐसे ही 2 के मल्टीपल में आते रहेगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन है, जैसे इसने 1 बार में आया है, 2 बार में आया है, 3 बार में आया है, इसने चौथा बार आया है, आठवां बार, बारहवां बार, इसने दूसरा, चौथा, छठा, आठवां। तो अब क्वेश्चन है कि तीनों में से कौन सा ऐसा कॉमन एलिमेंट है, कॉमन बार है, कि सब एलिमेंट उतना ही बार में हमारा
ओरिजिनल एलिमेंट के बराबर आ गया है। जैसे इसको मैं कितना बार रोटेट किया हूँ तो आ गया है, मैं देख रहा हूँ कम से कम 4 बार रोटेट किया हूँ तो आ गया है। मैं इसको देखूंगा कितना बार में आ गया है, 1 बार में आ गया है। इसको मैं देखूंगा कितना बार में आ गया है, तो ये 2 बार में भी आ गया है। तो सबका कॉमन मुझे निकालना है कि कॉमन सब में क्या है जिसमें तीनों एलिमेंट आया हो और जो नंबर मिनिमम हो। तो क्या 1 है? क्या 1 में तीनों बार आया है? नहीं आया। क्या 2 में तीनों बार आया है? नहीं आया। क्या 3 में तीनों बार आया है? नहीं है। क्या 4 में तीनों बार आया है? हाँ, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। मतलब 4 ऐसा एक पास है जिसमें हर एक एलिमेंट आया है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा? 4। तो बेसिकली हमें क्या करना है? बेसिकली हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, तीनों का भी एलसीएम निकाल देना है। जब जब भी ये आया है, जब जब भी ये आया है, उनका एलसीएम निकाल दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे ही ए है, एक ए, अगर ए को मैं 1 बार करूंगा तो भी आ जाएगा, तो 1 आएगा तो 1 के मल्टीप्लाई में तो आता ही रहेगा। अगर मैं इसको करूँ तो भी हमारा 1 बार में आ जाएगा, फिर 2 बार करूँ तो इसमें भी आ जाएगा। मतलब दोनों में कॉमन क्या है? 1। मतलब क्या, दोनों का एलसीएम निकालना है। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे अप्रोच करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। देखो क्या करना है, जैसे कोई स्ट्रिंग दिया है ए, ए नहीं, ये तो हमारा एरे ही, पूरा का पूरा एरे ऑफ स्ट्रिंग है। तो हमें क्या करना है, हर एक एलिमेंट को पकड़ना है, जैसे ए बी ए बी ए, इसको हमने पकड़ लिया। अब मुझे क्या करना है, इसको रोटेट करते जाना है। हमें क्या करना है, रोटेट रोटेट बाई, रोटेट बाई फिर के एलिमेंट, फिर के प्लस 1, फिर के प्लस 2। मतलब एक फंक्शन लिख देना है रोटेट का, जो इसको रोटेट करता जाएगा और कंपेरिजन करता जाएगा कि क्या यही ओरिजिनल के बराबर है। जब ओरिजिनल के बराबर आ जाएगा, जब भी ओरिजिनल के बराबर आ जाएगा, तो उसका काउंट में क्या कर लूँगा, स्टोर कर लूँगा। जैसे चौथा बार में आया, चौथा बार स्टोर कर लिया। इसका ऐसे ही मैं करूँगा, ये 1 बार आया है तो इसका मैंने 1 स्टोर कर लिया। तो इसका जब 1 स्टोर कर लिया हूँ तो इसका मल्टीपल हमारा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही ए बी ए को हम स्टोर कर लूँगा 2, 4, और इसमें से जो कॉमन है उसको मैं क्या कर दूँगा, रिटर्न कर दूँगा। तो यही सेम टू सेम सोल्यूशन है, कुछ नहीं है। और उससे पहले यार, अगर आप डी से एकदम अच्छा से पढ़ना चाहते हैं इन डेप्थ, तो आप गिग्स पर गिग्स के इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। मैंने भी यहीं से पढ़ा हुआ है, एक काफ़ी सारे आपके कॉन्सेप्ट हमेशा हमेशा क्लियर कर देगा। अगर आप त्रिलोकी 10 इस कूपन कोड को लगाएंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अब मैं बढ़ूंगा सोल्यूशन की तरफ। ये हमारा सोल्यूशन है, काफ़ी बड़ा है, इसको देख डरना नहीं है, क्योंकि यार कोई भी यूट्यूब पर मतलब क्वेश्चन कराया ही नहीं है, यूट्यूब पर इसका सोल्यूशन अवेलेबल है ही नहीं। तो ये सी प्लस प्लस का कोड, आपको सिंपली कोड को राइट कर लेना है और काफ़ी ध्यान से इसका ड्राई रन करना है। मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, आपको ड्राई रन करना है तभी चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं जो समझ में चीज़ें नहीं आएंगी इस बात का भी गारंटी है। क्योंकि जब आप ध्यान से नहीं समझोगे, समझ में नहीं आएगा, कुछ भी कर लो समझ में तो आएगा नहीं। तो देखो, जैसे हमारे क्वेश्चन है सॉल्व, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट में आपको क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। तो लास्ट में एलसीएम निकल रहा है, और ऑर्डर मैप का यूज करके काफ़ी आसानी से एलसीएम निकलता है, जैसे यहाँ पे हाथ देख पा रहे हैं, ठीक है। और हमने क्या किया, जैसे स्ट्रिंग जो है स्ट्रिंग, उसका पहले हमने साइन निकाला है, फिर एक वेक्टर बना है लॉन्ग लॉन्ग टाइप का जिसका नाम है टाइम। तो फिर हमने के एम पी, आप के एम पी एल्गोरिथम के बारे में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, पहले जाइए के एम पी एल्गोरिथम के बारे में पढ़ के। ये क्या है, केएमपी एल्गोरिदम एक ऐसा एल्गोरिदम है जो स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम है। स्ट्रिंग में कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं, कैसे उनको मैच करना है, उसके लिए हम केएमपी एल्गोरिदम का यूज करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इतना में समझ में आ गया। तो मैं कंडीशन चेक करूँगा, जब तक ऐसा कंडीशन ट्रू है तो ट्री प्लस प्लस करते जाऊँ। और उससे पहले आपको यहाँ नम में केएमपी को स्टोर करना है, जैसे यहाँ केएमपी के पास आएगा कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ। और उसके पहले आपको यहाँ लॉन्ग एल एल हमने डिफाइन कर दिया है लॉन्ग के लिए, और मॉडुलस जो हमारा है 10^9+7 इतना हमारा दिया गया है कांस्टेंट, तो उसको हमने कर दिया। और आपको ये कंडीशन को चेक करना है, और फाइनली आपको आउटपुट हमारा मिल जाएगा, आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो अगर इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात किया जाए, ये सोल्यूशन आपको खुद से डाइव करना है, क्योंकि स्ट्रिंग के हमने रोहित ने के 39 क्वेश्चन को करा दिया है, और एक क्वेश्चन ये जो है मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ कि इसका ड्राई रन आप खुद कर लेना, कोड को आप अच्छे से लिख लेना, ड्राई रन करना, तभी समझ में आएंगी। अगर आपको ये सब चीज़ें अनऑर्डर मैप क्या होता है, एलएल क्या होता है, एमपी डॉट एंड क्या है, एक्स डॉट फर्स्ट क्या है, एक्स डॉट सेकेंड क्या है, सब समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आपको इस डीएसए को पढ़ना होगा। जब आप इस डीएसए को पढ़ लेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएगा कि कैसे कौन चीज़ें काम कर रही हैं, आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। और आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप चाहते हैं तो। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिस्काउंट नहीं लूँगा, 4000 का कोर्स 4000 में ही कर दूँगा, तो आपको इस कूपन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा 400 का, तो आपको मात्र 3600 में पड़ेगा अगर 4000 दाम होगा तो।
ठीक है, तो अभी क्या करना है, इसका टाइम कैपेसिटी क्या हो जाएगा, टाइम कैपेसिटी मुझे तो लग रहा है ओ ऑफ एन हो जाएगा, ओ ऑफ एन, और स्पेस कैपेसिटी हो जाएगा ओ ऑफ क्या एन, क्यों, क्योंकि यार हमने काफ़ी सारे वेक्टर यहाँ यूज किए, यहाँ वेक्टर यूज किए हैं, फिर हमने यहाँ वेक्टर यूज किया, तो बहुत सारा हमने वेक्टर यूज किया, तो वर्स्ट के सिनेरियो में ओ ऑफ एन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने मिलते हैं अगले वीडियो में, आप डायरेक्ट करके देख लेना, अगर समझ में फिर भी नहीं अगर आपको आएगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इसका ड्राई रन का वीडियो बनाकर डाल दूंगा, हालांकि काफ़ी आसान है, आपको समझ में आ गया होगा, और जो मैंने अप्रोच बताया है सेम टू सेम वही अप्रोच यहाँ फॉलो हो रहा है, आप यहाँ देख सकते हो काफ़ी आसान तरीका से। ठीक है, तो हमें मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ धमाकेदार वीडियो के साथ, टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।